सब्सक्राइब कीजिए शब्द सम्राट न्यूज चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, शब्द सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। नाले पर बने अवैध निर्माण पर कार्यवाही न होने से नाराज आज विजय लबाना के साथियों ने आज मनपा मुख्यालय के बाहर मनपा आयुक्त डॉक्टर दयानिधि का घेराव किया। वहीं मनपा आयुक्त ने विजय लबाना को आश्वासन दिया कि इस विषय पर जल्दी ही कार्यवाही बता दे कि यहां के कैंप क्रमांक तो के मानी परिसर में नाले पर बने अवैध निर्माण के कारण नाले का सारा गंदा पानी लबाना के घर में घुस जाता था। वहीं विजय ने इसकी शिकायत पिछले एक साल से मनपा से कर रहा था। वहीं कार्यवाही न होता देख विजय ने दो दिनों से मनपा मुख्यालय के सामने आमरण अनशन करना शुरू कर दिया। वहीं आज दोपहर को विजय के साथियों ने मनपा आयुक्त का घेराव किया और अपनी सारी बातें मनपा आयुक्त को बताई। वहीं मनपा आयुक्त ने लबाना को आश्वासन दिया है। नहीं नहीं दो मिनट खाली दो मिनट विजय तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। विजय तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। साहब एक बात बताओ धन्यवाद सर आपका तहे दिल से धन्यवाद। सर कोई मिलने नहीं देता है सर। चलिए ऊपर चलते ऊपर चलते हैं। हम चल गुने दाखिल ना उन्होंने नाली के ऊपर घर बना हुआ है। नाली के ऊपर मेरा घर दो नंबर चोटी खेमनी वहाँ पे नाली के ऊपर गए उसके कारण मेरे घर पे पानी आता है। वो मैं पूरा एक साल से लिखे से कर रहा हूँ लेटर पे लेटर डाला हूँ। साल सोना में राजू मोरे अभी तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं की मेरे ऊपर। वो मेरे को धमकी दिया जा रहा है। वार्ड ऑफिस में आता है वार्ड दो नंबर के सपना गाड़ा नहीं है वो आता है। आपने वार्ड ऑफिस को तकरार किया? हाँ टकरार एक साल से तकरार कर रहा हूँ सर मैं। एक साल आया नहीं अभी तक नहीं आया। और काम करिए मुझे आर्डर दे दीजिए मैं आपको वार्ड ऑफिसर को आपके घर के पास और धमकी आया है सर मेरे को आज धमकी दिया गया और मेरे पास पुलिस में आप तकरार दर्ज करवा दीजिए। और मेरा टपरी एक मेरे को टपरी उठा दिया मेरा आज मेरे को धमकी दिया भाई तेरा टपरी उठा रहे होगी मेरे को पुलिस स्टेशन में आप तकरार कर दीजिए। आपका इलीगल बांध काम का जो है मैं कंसर्न वार्ड ऑफिसर को बताइए। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये जो है ये तरीका नहीं है गाड़ी को रोकना। तीन दिन से सर हैंडीकैप बैठा हुआ है सर। हैंडीकैप के सर ये तरीका नहीं है। ये बात इतना भी ये बात है ना तरीका तीन दिन को गाड़ी को रोक रहे हैं आप कार्रवाई होगी माजी समर्थन चीजों में इन्वॉल्व करते क्या समर्थन छोटे बच्चों को ऐसे चीजों में आप लड़ो आप छोटे बच्चों को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? लड़ने की क्षमता खाली बाजे ना बाबा साहब अम्बेडकर कावला बाजे ना राजनीतिकता नहीं है सर। ये बच्चे उपासन के बारे में ये कहूँगा कि आज मैं तीन दिन से उपासन में हूँ कोई अन्न नहीं खाया हूँ तो उसके कारण हम लोगों ने महापुर की गाड़ी रोकी। महापुर की गाड़ी रोक के उसको कमिश्नर की गाड़ी रोकी। हम लोग ने कमिश्नर की गाड़ी रोक कर उसने हमको आश्वासन दिया हम तुम्हारा सहयोग करेंगे तुम्हें और हमको बोलते लेटर लिख के देंगे और हम तुषार सोनावे और राजू मोरे के ऊपर कार्रवाई को करेंगे। नहीं कोई मिलने नहीं आया अभी तक। तीन दिन हो गए आज तक कोई नहीं आया तीन दिन। और आपने आयुक्त की गाड़ी को रुकाया? हाँ आज मैं आयुक्त की गाड़ी को रुकाया और आयुक्त से बात किया। आज आयुक्त ने क्या आश्वासन दिया? आयुक्त ने ये बोला आपका दो नंबर आता है सपना गार्डन में उसको बुला के हम उससे बात करते हैं और हम उस कार्रवाई पे करेंगे कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर ऐसा बोला। और क्या हुआ मेरी एक छोटी सी टपरी है वो टपरी के सामान है मेरा गन्ने का जूस का मशीन वो मेरे को डराने के लिए आज मशीन भी सब लेके गए और मेरे को बोले तीन बजे तुम्हारा टपरी तोड़ेंगे।
ऐसा भी बोल के गए और किसान मुकादम राजू मोरे ये सब लोग ने। तो चाल सोना भाई इस बारे में आप पुलिस में शिकायत देने वाले? जी अभी उस पुलिस चौकी में आज अर्जी देने वाला हूँ। आज मैं अर्जी बनाया हूँ, ये वो अर्जी है दूंगा उन लोग के बारे में। मेरे को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और मेरे घर पे भी जाके मेरे घर वालों को ही बोलते जा रहे हैं तुम्हारा घर भी तोड़ेंगे। उन लोग को डराया जा रहा है, लेडीज़ लोग को। मेरा अगर मेरा नाले के ऊपर बना हुआ है तो मैं खुद क्यों उपासन पे बैठूंगा? क्योंकि मैं खुद इलीगल बना हुआ, मैं दूसरे के ऊपर थोड़ी कंप्लीट कर सकता हूँ सर। आप चल के देख सकते हैं वहाँ पे, महानगर पालिका वाले खुद चेक कर सकते हैं कि मेरा नाले के ऊपर बना हुआ है क्या नहीं बना हुआ है। ऐसा है